क्या है, हाथ पाव तोड़ दिया नहीं कुछ? दिखा मेरे को जरा, हाथ दिखा मेरे। हाथ में लग गया यार, क्या बात कर रहे हो? बाहर फेंको बस। सर अरे क्या पता, कुछ नहीं है यार। तुम्हें चप्पल फिर तेरा दिमाग ठीक करूंगा मैं। अंगूठी टूट गई, फ्रैक्चर है, मेजर फ्रैक्चर। आज जा तो साले क्रिकेट खेलने के लिए, जा तो क्रिकेट खेलने, आज से जा तो, आज से क्रिकेट खेलने। ये हड्डियां नहीं तोड़ दी ना बाबरे। तो जैसा कि आपने पिछले वाले व्लॉग्स में देखा कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी क्रिकेट खेलते हुए, तो मुझे लगा कि फ्रैक्चर हो गया है। बट डॉक्टर के पास मैं गया, एक्सरे वैक्सरे कराया और कुछ भी नहीं निकला। बट हाथ में मैंने सपोर्टर पहना हुआ था और सोचा क्यों ना मम्मी से प्रैंक करूं कि मेरा हाथ टूट गया है। मतलब आपका जो बेटा ना, उसकी उंगली टूट चुकी है, मेजर फ्रैक्चर। उंगली खिसक गई ऊपर और मम्मी के रिएक्शंस तो आ गए थे, बट पापा घर से बाहर थे। पापा को देखना कितना गुस्सा आएगा। अरे मम्मा, आप प्रैंक हो गया है, कुछ नहीं उंगली में, आपके प्रैंक कर रहे थे, सूझ गए बस उंगली। फिर मम्मी ने मेरे हाथ में कुछ खुरापात करी और कुछ देर बाद घर में आ गए पापा। और पापा ने जो रिएक्ट करा भाई मेरे टूटे हुए हाथ को देख के, खतरनाक, बिल्कुल डेंजरस रिएक्शन, वो देखो अभी आप। पापा भी आ चुके हैं अभी। क्या है, हाथ पाव तोड़ दिया नहीं कुछ? दिखा मेरे को जरा, हाथ दिखा मेरे। क्रिकेट विकेट सब बाहर फेंकता हुआ, सारी तोड़ता हूँ सब। क्यों? क्रिकेट विकेट सब बंद करूंगा, दिखा क्या क्या करके ना, दिखा यार। हाथ में लग गया यार, थोड़ा औकात में रह ले, कहा ना क्रिकेट बंद कर, इसको उठा निकाल वहां से। क्रिकेट क्या बंद कर, बाहर फेंक रहा हूँ सर। क्या गलती है, पैसों से आई है क्रिकेट को कि बाहर फेंक रहे हो? क्या कर रहे हो आप? अरे पापा कुछ नहीं है यार, पापा कुछ गलती नहीं है किट की, अंदर नहीं आई है किट। क्यों आएगी? नहीं नहीं आएगी, जब मैंने बोल दिया नहीं आएगी, नहीं आएगी। बंद कर इसको। पापा हाथ में सारा महीने में एक बार क्रिकेट खेलने जाता हूँ, महीने में एक बार क्रिकेट खेलने जाता हूँ, हाथ उड़ा के लाते हो। चप्पल फिर तेरा दिमाग ठीक करूंगा मैं। ये चप्पल क्या है, व्हाट इज दिस? क्या बता दे, क्या है, क्यों लगी चोट? 20 दिन में एक बार जा रहा हूँ, हाथ पे प्लास्टर मार के आ रहा। ऐसा ना बेटा, इससे तेरा कैरियर नहीं बन सकता भाई क्रिकेट से, याद रखना जिंदगी में। तो थोड़ा बहुत खेलना ना, ये ब्लॉगिंग के कंटेंट के रख ले क्रिकेट को, इससे तेरा कैरियर बनने वाला नहीं है। वहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के बहुत ज्यादा उल्टी पुलटी गोला बंदर बन के क्रिकेट खेलने की होती है, जो तो सोचा मैं आपका कैरियर बन जाए। तो ये क्या आप है, ये क्या था, टूट गई, फ्रैक्चर है, मेजर फ्रैक्चर। बस मैं बोला कि भी क्या था, आज जा तो साले क्रिकेट खेलने के लिए, जा तो क्रिकेट खेलने, आज से जा तो, आज से क्रिकेट खेलने, अब जाके दिखा दो भैया क्रिकेट खेलने, जा ब्लॉक तो क्या तेल लगा ले, तू जाके दिखा मुझे क्रिकेट खेलने आज के बाद। तो ये हड्डियां नहीं तोड़ी ना हमारे, ये क्रिकेट, ये सारा उस दिन लाइक क्रिकेट साला, क्रिकेट खेल गया साला, इतना तगड़ा रिएक्शन। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा तगड़े रिएक्शन आ रहे हैं बाबा के, भाई बहुत गंदा डांट दिया है। ये खोल के ये कैमरा, ये घुमाने नहीं होता हर चीज, प्रैक्टिकली बन जाए बेटा। वो क्या था ना, बॉल
बॉल आई उड़ के, भाई ने कैच करने की कोशिश करी, ये टिप पे बॉल लगी, ये टिप पे नाखून पे लगी, तो ये हड्डी जो थी खिसक के ऊपर चढ़ गई, डिसलोकेट हो गया, जॉइंट से हट गई हड्डी। ऑपरेशन होगा अभी, तो ये दे रखा है खाली सपोर्ट के लिए दे रखा है। डॉक्टर के पास भी गए थे ना फिर वहां से, यहाँ पे बॉल लगी इतनी तेज से लगी कि ये यहाँ पे लगी, ये खिसक के ऊपर ऐसे। बेटा ऐसा ना क्रिकेट में सूझ गया पूरा, पूरी पूरी उंगली सूझ गई। क्रिकेट में ना, क्रिकेट में बेटा जब टीमें खेलती है ना तो कितने फास्ट फास्ट कैच करते हो, तो तूने कौन सा कैच कर दिया, अलग ही कैच कर दिया तूने, अलग ही बॉल लोहे की थी और नाखून भी गया, नाखून भी पूरा खूनी खून हो गया। बॉल लोहे की थी, बॉल लोहे की होगी फिर, लेदर की थी, लोहे की होगी इसकी बॉल, लोहे की बॉल। कई लोगों को मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा, मैंने ऐसा देखा नहीं आज तक। पहली बार खेला क्रिकेट कंधा तोड़ लिया, दूसरी बार खोला खेला अंगुली तोड़ ली, अब तीसरी बार खेल लिया ये तोड़ के लिया। एक और चीज टूटी थी, पाम भी तो टूटा था, हड्डी पूरी ऊपर चढ़ी हुई यहाँ भी, और ये जॉइंट पे तो है ही नहीं हड्डी, झटका लगा बहुत गंदा वाला, हड्डी निकालनी पड़ेगी, रॉड लगानी पड़ेगी। हाँ ऐसा टाइप का भी कुछ बोला उन्होंने, रॉड डाल सही डाल ले, ये देखो रॉड डाल ले सही डाल ले, ऑपरेशन करना पड़ेगा, रॉड डालनी पड़ेगी अम्मा, मम्मी को बता दिया तुमने, सही डालो बेटा सही, तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं, और कुछ फ्लॉप सेम जीरो हो तुम, जीरो क्रिकेट क्रिकेट जब है नहीं, तमीज बल्ला 16,000 की किट लेके आया, ग्लव भी है उसमें, दुनिया भर की सब कैच, ग्लव भी पहनने का कैच टूट गया पूरी, बॉलिंग करा रहा था, बॉलिंग करा रहा था, बॉलिंग करा रहा था, क्रिकेट में क्रिकेटर बनना है क्या तुमको, लिमिटेड खेल रहा था, हल्का फुल्का खेल, क्रिकेट कैच कर रहा था मैं, ये कर रहा था वो कर रहा था, बहाने बना रहा है, पूरी हड्डी खिसक गई ऊपर ऊपर आ गई है, ऑपरेशन कराना है फिर, अब डेट दी थी उन्होंने, ये कल परसों में कराओगे ना वहाँ बूझा जम जाएगा, कैल्शियम जम जाएगा उधर, खोपड़ी फूटेगी सारी के लिए, और बोलो ऐसे क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ बता रहा हूँ, दिखाई दे रहे इतना खुश क्या हो रहे हो अम्मा, वो उंगली जल्दी करा दो, उंगली खराब हो जाएगी, वो उंगली पापा फिर खराब हो जाएगी देख लो, सारी उंगलियां खराब है मुझे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमने हाथ खड़े कर दिए बस खत्म। जब बेटा ऐसा होता है जब तीर कमान से निकल जाता है बेटा, तो तीर फिर दोबारा कमान में नहीं आता, याद रखना। बैठ जाओ भाई, खड़े क्यों, अब रोने का क्या फायदा, बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, बरात में जाना क्या, लड़की 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 शादी, लड़की होती है तो शादी में जाती, जब दोनों रंग के आप रोड डलेगी ना उसमें, रोड डलोगे आप, डलवाओगे ना फिर है? आप डलवाओगे, मैं डलवाऊंगा, हाँ रोड डलवाओगे आप, कहाँ से, आप ही तो होगे, ऑपरेशन कौन कराएगा, चल अभी चल, तू कर क्या होती जैसे क्यों बना रहे, अब उंगली टूट गई तो कुछ ना कुछ तो करते हैं, अब ब्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा, टूटने वाला है तू, और हमारे मैं बताऊं ना, अगर मैं अपना ये ऐसे ऐसे कराता ना तो मेरे पूरे शरीर के जोड़ों, मेरे पूरे शरीर की हड्डियां टूटी पड़ी है, और हमने कभी कराया नहीं एक्सरे, एक्सरे तो कराना पड़ गया, वहाँ बैठ गए भाई, 60,000 रुपए का खर्चा है, करे तो 60,000 रुपए का लाएगा खर्च, खर्च एक बार पहले रॉड डलेगी, फिर कुछ महीनों के बाद रॉड निकलेगी और फिर टाके लगेंगे उस पे, और फिर उसके बाद एक ऐसे हाथ रखना है ताकि हड्डी दोबारा से वो बन सके वहाँ पे, इतनी सी रॉड डलेगी वहाँ पे, अभी रात नहीं है भाई, ब्लॉगर है, ब्लॉगर दिव्यांग पांडे ब्लॉग, हवा में उड़ रहा, हवा में वैसे करो नीचे आ जा, जमीन में आ जा, लेकिन नहीं आ रहा, बिकॉज़ मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मेरा हाथ असली में टूटता और पापा ऐसे रिएक्ट करते तो तब मुझ पे क्या बीतती, बिकॉज हाथ टूटा हुआ है, उंगली टूटी हुई है और पापा ऊपर से ऐसा बोल रहे, किट बाहर फेंक रहे हैं,
और उल्टा सीधा जो मन मारा बोल रहे। पता, मैंने पापा से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करती यार कि पापा ऐसा करेंगे। मतलब पापा ने बहुत ज्यादा ही ओवर एक्ट कर दिया कि एक उंगली टूटी है, सारी टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी बात नहीं मानता है, तू हमारी बात नहीं मानता है, मत खेल क्रिकेट, इस क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, छोड़ इस क्रिकेट को, इससे तो बहुत टूट चुका है क्योंकि एक बार मेरा कंधा टूटा था इससे, फिर याले उंगली टूटी थी, ये भी टूट गई है। टूटी नहीं है, मतलब पापा की नजरों में टूट गई है। तो मतलब किट बाहर फेंक दिया और मतलब इतने रूडली बात करी यार। मतलब पता, मैं लिटरली बहुत ज्यादा रियल में इमोशनल हो गया था कि पापा ने ऐसा क्यों कर दिया यार। मुझे पापा से ये उम्मीद नहीं थी यार कि पापा से कर देंगे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी पापा से यार। अब इतने फ्रैंक, इतने मस्त मौला आदमी ऐसा कर देंगे यार एक क्रिकेट के लिए। अब आप बताओ गाइस कि क्या क्या आप अपना हाथ जो है, अपनी उंगली है, तोड़ दोगे जान मुझ के? मैं तोड़ दूंगा क्या? अब टूट गई तो टूट गई खेलते खेलते। पापा कह रहे कि धोनी भाई, धोनी ने अपनी जिंदगी निकाल दी खेलते खेलते, सचिन ने अपनी जिंदगी निकाल दी खेलते खेलते, वो कभी नहीं टूटे, तू महीने में एक बार खेलते टूट के घर में आता है, तो क्या हमने देखा है कि वो टूटे नहीं टूटे? उनको कितनी इंजरीज होती है, नी की इंजरी होगी, बैक की इंजरी होगी, बॉलर्स को, क्रिकेटर्स को, बुमराह को, हार्दिक पांड्या को, कितनी कितनी इंजरीज होती है भाई क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन नहीं भाई, उनके कितने ऑपरेशन होते हैं भाई सब, नी का ऑपरेशन, बैक का ऑपरेशन, हाथ का ऑपरेशन, लेकिन वो तब भी खेलते भाई, प्यार है स्पोर्ट के लिए, है ना। तो भाई मेरी किट पापा कितनी बाहर फेंक दे, कितने कुछ कर लेना, कितने इसको आग लगा दे भाई, तब भी क्रिकेट मेरी जान था, है और रहेगा भाई। ये किट, ये बैट मेरा फेवरेट स्पोर्ट है भाई। मैं कितने टूट जाऊँ, कितने फूट जाऊँ, कितने ही मैं गिर जाऊँ, लेकिन भाई ये स्पोर्ट पापा मेरे से नहीं छीन पाएंगे भाई, इतनी बात तो है। अब ये सब बातें ना मैं पापा के सामने नहीं कर पाया, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि पापा ने क्या कर दिया। बट भाई ये जो है ना स्पोर्ट, ये जान है अपनी, मैं टूट जाऊँगा, मर जाऊँगा स्पोर्ट के लिए, बट ये स्पोर्ट मेरी जान है, क्रिकेट इज माई लव। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। कैसा करोगे? हाथ मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हाथ ठीक है मेरा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फ्रैक्चर नहीं मेरा हाथ। हाँ, तो ऐसी उम्मीद करना मेरे से, याद रखना आप कभी। ये हाथ मेरी उंगली टूट गई थी पूरी, मनीषा ने खींच के सही करी मेरी उंगली, यानी हड्डी टूट के मेरी ऊपर आ गई थी हाथ के ऊपर, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट तो उंगली में है लेकिन वो सूजन है, ठीक हो जाएगा हाथ अपने आप। तो कभी भी ना, कभी ऐसा काम करने से पहले मेरा रिएक्शन ये रहेगा, कद्दू में तीर मार नहीं जा रहा तुम वहाँ, देखो आज मैंने काम दिया कोई दूसरा, तू सुबह चला गया खेलने के लिए, ठीक है? समझ आई मेरी बात? रात को तू एडिटिंग कर रहा है, रात भर तू उठा हुआ है, ठीक है, और सुबह को तू खेलने के लिए जा रहा है, ठीक है, रात भर का तू उठा हुआ है और सुबह तू खेलने जा रहा है। अगर हमारा कहना नहीं मानोगे ना, मेरे खिलाफ जाकर जाओगे तो एक क्या मतलब करो, पांच के पांच उंगली टूटे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से चलेगा, अगर एक उंगली में क्रोच भी आ गया ना, क्रोच, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, नहीं ऐसी है मेरी डिक्शनरी में, यही है भाई। मतलब जो क्रिकेटर्स खेलते हैं वो अपने को तोड़ने के लिए नहीं खेलते हैं। क्रिकेटर नाम भी कमाते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं, तुम भी खेलो ना। जब वो नाम कमाते हैं ना, तो उस जो नाम कमाने से पहले जब वो गुजरते उस दौर से, तो बहुत चीजें टूटती है उनकी भी, बहुत टूटती है। अपने हाथ को जानबूझ के नहीं तोड़ा है, टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं। अब तो मेरे से मेरा मूड खराब मत कर, बस हो गया, तू उड़ा चले, चल जा।